नमस्कार देवी और संजनों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल के एक और ब्रांड न्यू गेमिंग सीरीज के अंदर। यह है सुसाइड स्क्वाड किल द जस्टिस का पहला एपिसोड। ये वाला गेम हाल ही में लॉन्च हुआ है और लॉन्च होने के बाद ही भाई इसके गेम के जो स्टोरी लाइनअप है ये भाई पूरी तरीके से कहर मचा दिया है गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि इस गेम के अंदर हम निभा रहे हैं सुपर विलन्स का कैरेक्टर और हम लोगों को यहाँ पे मारना है सुपर हीरोज़ को, मतलब डीसी के जितने भी सुपर हीरोज़ हैं जैसे कि सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, ग्रीन लैंटर्न, इन सभी को हमें मारना पड़ेगा। सुनने में ही थोड़ा अजीब लग रहा है कि हम लोग मारने वाले हैं सुपर हीरोज़ को और हम बने हैं भाई सुसाइड स्क्वाड। तो देखते हैं इस गेम के स्टोरी में हम लोगों को क्या क्या देखने के मिलता है। तो इस वाले गेम के सारे एपिसोड्स देखने के लिए आप सबको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। तो चलिए गेम को शुरू करते हैं और देखते हैं इसके गेम प्ले। और हाँ, इस गेम में काफ़ी सारे बातें होंगे, तो जितने भी बातें यहाँ पे होंगे मैं हर चीज़ को आपको समझाते जाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Hate to say it, but Waller's right. We got work to do. How did you three get split off this time? Hey! Wasn't my fault we got lost! This time? We should convene at the Daily Planet. It is a very central location. Still playing tour guide, Sharky. Love that. भाई साहब, ग्राफिक्स देख रहे हो भाई? Next level. Come on, y'all. Focus. We're game 7, last quarter out here. I do not know what this means. It seems like it would be very high pressure and stressful. Yeah, you lost me there too, Floydy. Oh, aren't you supposed to be a Yank, Hiles? Even I got the reference. Just don't get yourselves killed doing something basic. Well, you know Boomer. He's always basic. Oi! Wait! You're basic! तो गेम के स्टार्टिंग में ये लोग बेसिकली मुझे जितने भी कंट्रोल्स है वो लोग बता रहे हैं, मगर ये नहीं बता रहे कि सुपरमैन, बैटमैन अभी ये लोग कहाँ हैं और ये लोग विलेन कैसे बन गए और इस शहर में एलियंस ने आके कैसे अटैक कर दिया। तो शायद ये सब बाद में बताया जाएगा। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे डेड शॉट बनाया गया है और गेम के स्टार्टिंग में हमने जिस आवाज़ को सुना है वो है हार्ले क्विन का। तो हार्ले क्विन कह रहा था कि छोटे छोटे चीज़ों की वजह से शहर, मतलब ये जो मेट्रोपोलिस है भाई, देखो सामने एलियंस, वो भाई साहब अच्छा। तो यहाँ पे एलियंस जो है वो खुद का शील्ड बना के अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मगर मैं अपना जेट पैक यूज करके भाई शील्ड के उस पार जाके उन लोगों को मार सकता हूँ। हाँ, तो गेम के शुरुआत में हमने जो आवाज़ सुनी वो था हार्ले क्विन का। तो हार्ले क्विन का कहना यह है कि छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ये जो शहर है मेट्रोपोलिस, ये बहुत ज़्यादा बदल गया है। इसका जो वेदर है काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। अब काफ़ी ज़्यादा अमीर लोग इस शहर में रहने आ रहे हैं और उसके साथ साथ एलियन इन्वेंशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एलियन आ चुके हैं। फिर हमें अमेंडा वॉलर की आवाज़ सुनाई देती है और वो कहती है कि टास्क फोर्स एक्स, चारों तरफ का नज़ारा लेना बंद करो और तुम्हें जो काम सौंपा गया है उसको पहले ख़त्म करो, मतलब एलियन को मार दो। तो यहाँ पे डेडशॉट खुद को थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फिडेंट कर रहा है, क्योंकि भाई ये जो जेट पैक है ना ये बीच रास्ते में ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा किक स्टार्ट करके थोड़ा और जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है थोड़ा ठंडा होने में टाइम लगता है। ये लो, हम लोग पहुँच गए। तो अभी मेरे जितने भी बंदे हैं वो सभी अलग अलग लोकेशन पे हैं, तो हम लोग सभी जो है एक साथ भाई डेली प्लैनेट पे मीटअप करेंगे, तो मुझे अभी वहीं जाना है। तो मैं अभी अच्छे से सब कुछ सीखने वाला हूँ, क्योंकि भाई सुपरमैन के साथ कभी भी फाइट हो सकता है और यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप के एलियंस हैं, तो उनको भी मुझे सबसे पहले मारना पड़ेगा। तो स्नाइपर निकालते हैं और हेडशॉट पे हेडशॉट लगाते हैं ये लोग। भाई ऐसा ना हो कि इनको मारने के बाद ही भाई सुपरमैन आ जाए फाइट करने के लिए। नहीं, मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है कि वो थोड़े लेट में ही आएगा। तब तक भाई इन लोगों को मैं स्नाइपर से पेलने की कोशिश करता हूँ और ये लोग देखो किसी, अच्छा तो टारगेट एलिमिनेटेड। अच्छा, तो ज़्यादा बंदों को एक साथ मारने के लिए मुझे यहाँ पे ग्रेनेड का यूज़ करना है। भाई मुझे ये डेड शॉट का जो कैरेक्टर है काफ़ी पसंद आया।
अभी बाकी के जितने भी सुसाइड स्क्वाड के मेंबर्स हैं उन सभी को हम लोग एक बार ट्राई करेंगे, तो फिर हम लोग पता लगाएंगे कि कौन सा वाला सबसे बढ़िया है, तो उसको ही भाई रखेंगे। फिलहाल यहाँ पे काफी सारे एलियंस हैं यार। तो डेडशॉट अपने टीम से पूछ रहा है कि टीम तुम लोग कहाँ हो, हम लोग तो यहाँ पे मिलने वाले थे। और शार्क से पूछ रहा है कि शार्क तुम कहाँ हो, तुम तो आसपास ही होगे। तो आई थिंक अभी शार्क को लेके हम लोग खेलने वाले हैं। It only has two exits despite its length, which seems highly inadvisable. Human architecture is fascinating. तो सुसाइड स्क्वाड के फर्स्ट वाले टीम में भले ही क्रोकोडाइल था, मगर इस वाले टीम में किंग शार्क है। और ये डेडशॉट को बोल रहा था कि ये टनल के अंदर है, और इंसान काफी अजीब है कि इतने बड़े टनल के अंदर आने जाने का सिर्फ दो ही रास्ते बनाया है। अजीब है। Are you researching again? Can't you just look at pictures later? The experience would not be the same, Floyd Lawton. I would never ask you to simply look upon renderings of Atlantis. It must be experienced. I'd kind of prefer pictures, actually. Oh-ho! New Deadshot phobia! अरे भाई साहब, किंग शार्क को भाई जेट पैक की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके पास खुद का एक पावर है। तो किंग शार्क किताब में टनल के बारे में पढ़ रहा था, जिस वजह से डेडशॉट यहाँ पे बोल रहा है कि तुम फिर से उस बारे में रिसर्च करने लगे। और शायद डेडशॉट को भी भाई यहाँ पे टनल के अंदर जाने में थोड़ा सा डर लग रहा था, जिस वजह से इसको कोई खूबिया कहते हैं। If only there were enemies here, that would be a splash. Maneuvering through the air has its advantages. Less land dweller refuse, much less. अच्छा, तो यहाँ पे किंग शार्क के पावर्स की वजह से मैं यहाँ पे हवा पे दो तीन बार भाई यहाँ पे डैश कर सकता हूँ। तो किंग शार्क ने जब यहाँ पे जोरदार लैंड किया तो वो कह रहा था कि अगर यहाँ पे दुश्मन होते तो उनके छींटे उड़ते तो मुझे काफी ज्यादा मजा आता। तो बूमरंग ये बात सुन के भाई यहाँ पे बोल रहा है कि कौन है भाई जो किंग शार्क को इस तरीके के भाई जोक सुना रहा है। तो ये देखो यहाँ पे नीचे भाई यहाँ पे एलियंस है और मैं है भाई इन लोगों का खेलने वाला। तो इनके बातों के मजे तो हम लोग ले ही रहे हैं, मगर ये जो मूव्स है मुझे अच्छे से इनको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बाद में यही सब मेरे काम आएगा। भाई कुछ भी बोलो, लेकिन डेडशॉट से अच्छी गन दी है किंग शार्क को। ओ शिट यार भाई, जल्दबाजी में मैंने यहाँ पे गलत बटन दबा दिया। तो यहाँ पे कुछ अलग टाइप का यहाँ पे भाई मूव है जो कि मुझे सिखाया जा रहा है, मगर ये क्या था मुझे यहाँ पे पूरा भाई मैंने पढ़ा नहीं, तो इस वजह से मैं यहाँ पे उसको कंप्लीट नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पे करना क्या है, पहला तो मैं यहाँ पे मिली अटैक कर रहा हूँ, ओके बहुत बढ़िया। उसके बाद भाई गन से फायर कर रहा हूँ। क्या करना है भाई, ये एक बंदा आ गया, क्या करना है भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये जो लिख के दिया है कि अगर ये हो नहीं रहा है, Your sacrifices are greatly appreciated. I wanted some extra exercise. Hey Shocky, you want some real architecture? I'll show you all the top brooding and cackling spots in Gotham. Oh, I already have a list. I would love a true Gothamite's perspective. Quinn's got point on this one. Not many scenic views in my line of work. तो किंग शार्क अपने दुश्मनों को मारने के बाद बोल रहा था कि थैंक यू, तुम लोग मर गए, इस चीज को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा एक्सरसाइज की जरूरत थी और तुम लोगों ने मुझे वो करवा दिया। और हार्ले क्विन जो है अभी गौतम सिटी पे है, तो वो किंग शार्क को वहाँ पे बुला रहा है कि कुछ चीजें वहाँ पे दिखाने के लिए, क्योंकि शार्क को गौतम सिटी देखना था। तो शार्क पूछ रहा है कि हार्ले और बूमरंग क्या है, तो डेडशॉट बोल रहा है कि तुम्हारे साथ नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। तो अभी शायद हमें बूमरंग के साथ खेलने को मौका मिलेगा। आय हाय भाई, बूमरंग बहुत ही ज्यादा गंदा आदमी है, क्योंकि सुसु करके वो अपना खुद का हाथ सूंघ रहा था। सूंघने की क्या जरूरत थी, गंदा ही महकता होगा। भाई साहब, मुझे बूमरंग के साथ खेलने में ना थोड़ा थोड़ा फ्लैश वाली फीलिंग आ रही है। मुझे नहीं पता कि इसके पास कौन सा डिवाइस आ गया या कौन सा मैकेनिज्म आ गया है,
मगर इसका जो स्पीड है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये देखो, ओ भाई साहब ये क्या था भाई, खतरनाक। अच्छा, तो ये जो शील्ड वाले दुश्मन है, पहले इनके शील्ड को तोड़ना है, फिर गोली से भाई उन लोगों को छन्नी छन्नी कर देना है। वैसे जो बूमरैंग है मेरे पास, उसी से इन लोगों का शील्ड जो है वो तोड़ा जा सकता है। भाई अभी तक का सबसे बढ़िया कैरेक्टर आपको कौन सा लगा, ज़रूर कमेंट में बताएगा। मुझे थोड़ा थोड़ा भाई बूमरैंग पसंद आ रहा है, क्योंकि इसके पास जो स्पीड है ना, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। थोड़ा मुझे यहाँ पे हिट हुआ दुश्मनों की गोली, या उनके पावर्स भी कह सकते हैं। ये देखो एक और बंदा है यहाँ पे, तो अपना काम तो यहाँ पे हो गया। अब मुझे स्क्वाड के साथ मीटअप करना है। भाई बुमरैंग बंदा तो थोड़ा मजाकिया है और थोड़ा झूठा भी है। अच्छा, तो जब ज्यादा डिस्टेंस कवर करना होगा तब मुझे बुमरैंग को पहले फेंकना है, फिर उसको पकड़ने के बाद दोबारा सा फेंकना है दूसरे तरफ, तब मैं जाके उस तरफ पहुंच सकता हूँ। ये देखिए बहुत ही आसान है, और इस एबिलिटी को वो स्पीड फोर्स कहता है। भाई अगर शहर में ट्रैवल करना है तो भाई बूमरैंग से, भाई इसका जो स्पीड है ना, बहुत जल्दी हम पूरे शहर को यहाँ पे कवर कर देंगे। तो यहाँ पे एक और चीज़ मुझे करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले शायद उस दीवार को पकड़ना है, और मैं दो बार यहाँ पे फेंक के, भाई इसके पास दूसरा कोई एबिलिटी भी है जो कि भाई जेट पैक की तरह ही काम करता है, यहाँ पे दीवार पे भी चढ़ जाता है। तो ये भाई अच्छी बात है कि इनके टीम मेंबर्स को भी पता है कि बूमरैंग कितना ज़्यादा झूठा है, क्योंकि ये भाई खड़ा होकर सुसू कर रहा था और कह रहा था कि मैं ब्रेनियक के आर्मी से भाई यहाँ पे फाइट कर रहा हूँ। और सर जैसे ही पूछता है कि अपने फाइट के बारे में कुछ बताओ, तो ये लड़खड़ाने लगता है। तो भाई हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। तो शार्क बूमर से पूछ रहे, तुम तो बड़ा बैटल करके आ रहे थे, तुम्हें बिल्कुल भी चोट वोट नहीं लगी क्या? Dead shots all. You ain't got no self-preservation, Quinn. I had to be there. Or alive. Anywho, I'll be there in a Gotham minute. भाई ये पागल लड़की, कभी सोचा नहीं था कि हार्ले क्वीन बन के भी कोई गेम हम लोग खेलेंगे। भाई साहब ये हार्ले तो स्पाइडरमैन की छोटी बच्ची निकली। तो हार्ली वहाँ पे भाई एक मरे हुए एलियन के साथ बात कर रही थी, और यहाँ पे डेडशॉट बोल रहा है कि तुम जो ये मरे हुए एलियन के साथ बात करते हो ना, ये काफी ज्यादा क्रीपी है। और ये जो गैजेट वो यूज कर रही है क्या है, और ये कैसे यूज करी वो देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो भाई ये बैटमैन का सामान चुराया उसने भाई, माँ कसम। और यहाँ पे सीट के पीछे काफी सारे यहाँ पे एलियन है, तो इन लोगों को सबसे पहले फेलना पड़ेगा। एक्चुअली इस गेम के अंदर सुसाइड स्क्वाड के जितने भी मेंबर्स हैं, मतलब जो चार मेंबर्स हैं, उन चारों मेंबर को एक एक करके हम लोगों को यहाँ पे भाई ट्यूटोरियल दिया जा रहा है कि उनके पावर्स कैसे हैं, उनके जो मूव्स हैं वो किस तरीके के हैं। तो जैसे ही डेडशॉट ने बोला कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्रीपी है, तो हार्ले यहाँ पे बोल रहा है कि तो फिर मैं बूमरैंग के जैसा बन जाऊँ, थोड़ा बहुत झूठ मूठ भाई बातें यहाँ पे कर लूँ। माँ कसम भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि स्क्वाड मेंबर्स के पास जितने भी गैजेट्स हैं ये सभी सुपर हीरोज के हैं। तो फिलहाल मुझे देखो यहाँ पे किस तरीके से, आप अगर गौर कर पाओगे ऊपर एक ड्रोन जा रहा है जिसको मैं यहाँ पे हैंगिंग की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके ऊपर भाई किसी टाइप का यहाँ पे रोप मैं फेंक के वहाँ पे अटका रहा हूँ, फिर जाके यहाँ पे ऊपर उठ रहा हूँ। तो इसी तरीके से मुझे जो है यहाँ पे धीरे धीरे चढ़ना पड़ेगा बिल्डिंग के ऊपर, और मुझे अपने स्क्वाड मेंबर्स के साथ वहाँ पे जाके मीटअप करना है।
और वैसे किंग शार्क बता रहा था बूमर की दिख बूमर तेरे बारे में अफवाह है कि तू भाई नहाता वहाता तो कुछ भी नहीं है, तू बस अपने वेपन साफ करता रहता है। तो सुसाइड स्क्वाड का ये आखिरी मेंबर है, शायद इसके बाद हम लोगों को पता चल जाए कि ये चल क्या रहा है, एलियंस यहाँ पे कैसे आ गए, ये लोग यहाँ पे कैसे आए और सुपर हीरोज भाई विलेंस कैसे बन गए और वो अभी है कहाँ पे और उनके साथ फाइट कब करना है। तो हार्ले ने शायद जूनियर जिमनास्टिक में भाग लिया था जहाँ पे वो फेल हो गया था, मगर यहाँ पे वो पास हो गया। तो अभी हम लोग सुसाइड स्क्वाड के सारे मेंबर्स के साथ एक एक करके मिल चुके हैं। Now that we're finally all here, we can get down to... I almost forgot, there's a big honking group of baddies ready to descend on us like fresh meat at the buffet line. So, who's staying to play hero? तो हार्ले आके तीनों को बोलता है कि लड़को ये जो दुनिया खत्म हो रही है, ये आज का दिन तुम लोगों का कैसा जा रहा है, एंजॉय कर रहे हो या नहीं। तो डेडशॉट आगे कुछ बोलता उससे पहले हार्ले बोलना चालू कर दिया कि एक एलियन का ग्रुप हमारी तरफ ही आ रहा है और वो हम पे ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे शादी में आए हुए बाराती खाने के लिए टूट पड़ते हैं, तो इनमें से मुझे किसी एक को चूज करना पड़ेगा जो कि उनके साथ भाई लड़ने के लिए यहाँ पे होगा। कौन होगा भाई यहाँ पे? मुझे तो लगता है कि जो डेडशॉट है इसी को चूज करना चाहिए क्योंकि इसका जो पर्सनालिटी है मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा। मगर सच बताओ तो शार्क भी काफी ज्यादा पावरफुल है, तो या तो डेडशॉट या फिर शार्क। मैं सोच रहा हूँ कि डेडशॉट को ही सिलेक्ट करते हैं। चलो taking the perfect shots, simple for me, good thing I stayed behind. It's all about timing. तो जब योलो मीटर जलेगा एनिमी के ऊपर तब मुझे शॉट लेना है। तो हर टाइम की तरह भाई यहाँ पे डेड शॉट अपना ही तारीफ किया जा रहा है, तो देखते हैं ये कैसा काम कर रहा है। अच्छा तो ये थोड़ा स्लो मोशन वाला अटैक है, बढ़िया है। तो डेड शॉट कह रहा है कि अगर परफेक्ट शॉट लेने की बारी आए तो वो मैं ही ले पाऊंगा, इसलिए मुझे यहाँ पे रहना चाहिए। अच्छा भाई साहब अब समझ में आया, काउंटर शॉट मतलब दुश्मन के अटैक को भाई तोड़ के भाई अपना अटैक करना, मतलब वो जिस टाइम पे भाई मुझे मारने वाले होंगे उस टाइम पे योलो मीटर चालू होगा और उसी टाइम पे मुझे उन लोगों को मारना है, बढ़िया है। अच्छा तो चलो ये भी हो गया कंप्लीट, तो सारे खत्म या और भी है भाई? अब बोलो। अरे भाई साहब और भी है। I had your personal shields modified. No automatic recharge. Every second you spend hiding behind cover is wasting my time. If you want to stay alive, you'll have to fight for it. That means harvesting shield charge from enemies in close combat. So DC के movies अगर आप लोगों ने पहले देखे हैं तो आप लोगों को जरूर पता होगा कि Amanda Waller कौन है, और Amanda Waller बहुत ही खतरनाक एक लेडी है, बहुत ही ज्यादा टफ है और टास्क फोर्स एक्स या फिर आप कह सकते हो सुसाइड स्क्वाड की लीडर भी है वो। सो उनका कहना यह है कि उन्होंने हमारे शील्ड को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया है, अब ये ऑटोमेटिक नहीं जनरेट होगी क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ सील बना दिया जो कि ऑटोमेटिक जनरेट होगी तो हम लोग इसके पीछे भाई हमेशा छुपे रहेंगे और उनका वक्त जो है वो वेस्ट होगा। तो इन्होंने इसलिए हमें इस तरह का सील बनाया है ताकि हम लोग फाइट करें और दुश्मनों को सामने से मार के भाई मिली अटैक से अपना जो सील्ड है उसका जो मीटर है उसको जनरेट करें फिर उसको यूज़ करें। तो वही करना है अभी, देखिए सील्ड हार्वेस्टिंग। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। Shorted him out. Moving into melee. अच्छा तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है भाई, यहाँ पे मुझे दुश्मनों के पैरों पे गोली मारना है फिर जैसे सील हार्वेस्ट आ जाएगा तो मुझे मिली अटैक करना है उनके ऊपर। Enemies prepped. Going in for some charge. तो दुश्मनों से ये जो मैं सील हार्वेस्ट कर रहा हूँ ना तो ये नज़र नहीं आएगा, ये मेरे शरीर के ऊपर चढ़ जाएगा और जैसे ही भाई उनका अटैक मेरे ऊपर कनेक्ट होगा ना तो मेरा हेल्थ नहीं जाएगा, ये सील हार्वेस्ट जो है ये टूट जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत कॉल ऑफ ड्यूटी में जैसे हम लोग देखते हैं ना भाई कि आर्मर प्लेट वगैरह की गोली उस पर लगता है तो वो टूट जाता है, हेल्थ नहीं जाता, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, बढ़िया है। बस बस भाई एक और बार मुझे सील हार्वेस्ट का ये काम करना है फिर ये वाला ट्यूटोरियल भी खत्म। गेम महोदय साहब मुझे लगता है कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, प्लीज आप कहानी स्टार्ट कर दीजिए, बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। Didn't see myself just strolling into the Daily Planet for any reason. तो डेडशॉट सोच रहा है कि मैं कभी सोचा नहीं था कि डेली प्लैनेट के अंदर इस तरह जाना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ का सबसे पुराना अखबार हुआ करता था।
Tried to put all my information out there and on blast like I don't have a secret identity. After all the Arkham shit, came out anyway. But Lane got the story. Was pretty classy about it too. Not one mention of Zoe and Susan. You know, maybe this place wasn't the worst. I'll think about a subscription later. Let's get through this first. मैं तब से देख रहा हूँ ये लोग देख किसको रहे हैं तब से. ओ भाई ये क्या है? यही है क्या एलियन ब्रेनियक? यही नाम था ना इसका? Hey Waller, Skull ship's honked off at us. Over. All of you, move to the objective. The Promethean shield is up, but it won't last forever. Reminds me of a Sunday morning back home. Yes, the nostalgia of an active war zone. During the hammerhead conflicts of my youth. No, focus, people. Those shark fights do sound pretty cool, though, big man. Move to the engagement zone, Task Force X. So Amanda ने हम लोगों को बोला है कि हम जाके भाई आगे बढ़े. भाई अभी ये करवाने क्या वाली है? क्या ये बॉस फाइट करवाएगी भाई ब्रेनियक से? मुझे तो इसको देख के ही डर लग रहा है भाई. मुझे माफ करो, मैं थोड़ी देर बाद लड़ना चाहता हूँ, मगर अभी मुझे क्या करना है पहले ये बताओ. सो अमांडा ने हमें 3 मिनट का टाइम दिया है. जितना कुछ सिखाया भाई पिछले कुछ ट्यूटोरियल में, सब कुछ यहाँ पे भाई उगल देना है, और जितने भी यहाँ पे एलियंस हैं उन सबको भाई यहाँ पे मार देना है. तो ये ब्रेनियक जो है भाई किसी टाइप का भाई एलियन शिप लग रहा है या एलियन खुद है, मुझे ये तो नहीं पता, मगर जो भी है बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है. तो अमांडा ने यहाँ पे किसी टाइप का भाई सील एक्टिवेट किया है ताकि वो यहाँ पे धरती पे आ ना पाए, मगर ज़्यादा देर तक ये सील जो है उसको रोक नहीं पाएगा, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे फाइट करना पड़ेगा उससे. और आई थिंक ये जो 3 मिनट का टाइम दिया है भाई हम लोगों को, यही है भाई आखिरी हमारा ट्यूटोरियल. इसके बाद शायद मेन स्टोरी हम लोगों को देखने को मिल सकता है. तो बने रहिए गेम प्ले के साथ. और यस, गेम प्ले अगर अच्छा लग रहा है अभी तक आप देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए भाई. और इसके बाकी के एपिसोड्स देखने के लिए आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना पड़ेगा, वरना आप लोगों को पता कैसे चलेगा. तो ठीक है, चलो फाइट करते हैं तब तक, और तब तक आप लोग मज़े लीजिए. मुझे भी भाई फाइट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मगर कुछ ज़्यादा ही एलियंस यहाँ पे आ चुके हैं, ऐसा क्यों लग रहा है? तो पूरा जितना हमने ट्रेनिंग किया, पूरा ट्रेनिंग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं भाई, स्किल हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, बंदों को मार रहे हैं, उसके बाद उन लोगों का चॉपर भी आ चुका है. अरे भाई साहब, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है भाई अब? ऑलराइट, तो और 1 ही मिनट बचा है हमारे हाथ में. जितने भी बंदे हैं उन सबको हमें मारना पड़ेगा. इस एलियन को देख के मुझे भाई ट्रांसफॉर्मर्स का एक मूवी का याद आ गया. तो एक मूवी आया था ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट करके, वहाँ पे साइबरट्रॉन जो है एक टाइम पे आके अर्थ से हिट करता है. तो वही वाला सीन भाई यहाँ पे मुझे कुछ यहाँ पे याद आ रहा है कि उसी टाइप का लग रहा है. और ये वाला जो एलियन है ब्रेनियक, ये भी कुछ उसी टाइप का लग रहा है भाई. मैं एक ही चीज़ सोच रहा हूँ कि ट्यूटोरियल में अगर भाई इतने सारे बंदे भेज दिए तो आगे गेम में क्या होने वाला है. ओ ओ ओ, और थोड़ी देर भाई, मरना मत यहाँ पे. 6 सेकेंड, 5 सेकेंड भाई यहाँ पे रुक जाओ. तो वॉलर ने यहाँ पे बोल दिया है कि अगर अपनी बैंड बजवाना नहीं चाहते हो तो इवैक्यूएशन पॉइंट पे पहुंच जाओ और जल्दी यहाँ से निकलो. come on, not now. भाई साहब सामने देखो, सुपरमैन का स्टैचू बना हुआ है, और अभी हम लोग बहुत जल्दी यहाँ से निकलने वाले हैं. ओ भाई ये क्या करने वाला है?
तो ब्रेनियक यहाँ पे हंस रहा है और उसने अपनी फुल पावर के साथ यहाँ पे हमला कर दिया है और डेडशॉट कह रहा है कि ये सही नहीं है। तो भाई अब लगता है कि हमें स्टोरी समझाया जाएगा 7 दिन पहले। ओके, तो 7 दिन पहले कुछ हुआ है जो शायद हमें अब दिखाया जाएगा और शायद अभी जो है हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पे कैसे पहुँचे, सुपरमैन कैसे भाई यहाँ पे विलन्स बन गए और ये एलियंस कहाँ से आ गए। लेट्स सी। अरे भाई ये तो आर्कम असाइलम की तरफ जा रहे हैं भाई। तो ऐसा लग रहा है कि भाई वॉलर यहाँ पे रिक्रूट करने जा रहा है सुसाइड स्क्वाड को आर्कम असाइलम में। तो हाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है कि बिल्कुल ये देखिए आर्कम असाइलम। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हम लोग गेम के मेन स्टोरी के अंदर भाई एंटर कर रहे हैं, मगर आज नहीं क्योंकि आज भाई यहीं तक अपना फर्स्ट पार्ट जो है यहीं तक सीमित रहेगा। भाई पहली बार लाइफ में कोई गेम खेल रहा हूँ जिसका ट्यूटोरियल वीडियो खत्म करने में भाई एक 30 मिनट का बड़ा वीडियो बन गया है। मतलब सोच पा रहे हो, अगर आपने लाइफ में ऐसा कोई गेम खेला है जिसका ट्यूटोरियल खत्म होने में भाई 30 मिनट का टाइम लग गया तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो सुसाइड स्क्वाड के जितने भी मेंबर्स थे हमने सभी को लेके एक एक करके भाई हमने यहाँ पे गेम को खेला और सभी के अंदर यूनिक अलग अलग पावर है। किसी के पास बहुत ज्यादा ताकत है, किसी का गन बहुत ज्यादा पावरफुल है, कोई भाई फ्लैश की तेजी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर रहा है। मतलब अलग अलग सभी के पावर्स है। और लास्ट में हम लोगों ने ब्रेनियक को भी देखा जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसके पावर्स तो भाई उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और अभी तक भाई हमारे मेन सुपर हीरो सुपरमैन बैटमैन इन सभी का दर्शन अभी तक हुआ तो नहीं है, मगर बहुत जल्दी होने वाला है क्योंकि मेन स्टोरी जो है अब स्टार्ट होता है भाई अर्कम असाइलम से और फिर हम यहाँ से गेम को कंटिन्यू करेंगे। तो यही है भाई खासियत सुसाइड स्क्वाड का। तो भाई आज पहला दिन और पहले दिन में हमने गेम को यहाँ तक रखा है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए क्योंकि बाकी के नेक्स्ट एपिसोड्स भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।